हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी जूस की रेसिपी। ये फ्रूट जूस की रेसिपी है, बहुत ही इसका ये टेस्ट जो है ना यूनिक है। इस मेथड से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप चाहें तो बच्चों को भी बनाकर सर्व कर सकते हैं इस गर्मी के मौसम में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस जूस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो एप्पल ले लिया है। सबसे पहले एप्पल को आप चाहें तो पील कर सकते हैं, छिलके निकाल सकते हैं। मैं ऐसे ही कट करके रख लूँगी। सबसे पहले ग्राइंडर जार में मैं कटे हुए एप्पल को इसमें डाल रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें दो बनाना अच्छे से इनके छिलके निकाल कर तोड़ कर ऐड करूँगी। ये जूस तकरीबन मैंने यहाँ पर दो से तीन लोगों के लिए बना रही हूँ और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते तो आप इस तरीके से जूस बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा यूनिक टेस्ट है, इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिए। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून शक्कर, चाट मसाला फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून। इसमें डालेंगे हम इसमें आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून। अब थोड़ा सा और फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो नमक की जगह काला नमक भी इसमें डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे। जूस को चिल करने के लिए मैं इसमें आइस क्यूब ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें ठंडा पानी भी सिर्फ डाल सकते हैं। तकरीबन 1/2 गिलास मैं इसमें ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ। इनको अच्छे से कवर करेंगे और 2 से 3 बार हमें बहुत ही अच्छे से इन्हें ग्राइंड कर लेना है। नहीं अच्छे से ये ग्राइंड क्या हुआ रहेगा ना, उतनी ही हमें आसानी होगी इसे स्ट्रेन करने में। तो 2 से 3 बार इन्हें बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में आ जाना चाहिए। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब मैं इसे और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा रोज़ बैटर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसे दोबारा से ग्राइंड करने के बाद हम इन्हें अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। आप कोई भी स्ट्रेनर से या छन्नी से इन्हें छान सकते हैं। यहाँ से हल्का सा प्रेस करते हुए हम इन्हें छान लेंगे और जो इसका वेस्ट मटेरियल है हम इन्हें फेंक देंगे। यहाँ पर हमारा जो जूस है वो 80% अच्छे से तैयार हो चुका है। मैं इसे और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा खट्टा मीठा और हर तरह का इसमें टेस्ट आपको मिल जाएगा। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टेस्ट करने के बाद ही आप इन्हें ग्लास में सर्व करिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट है। तो चलिए मैंने ग्लास में सर्व करती हूँ। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब और लेमन की स्लाइस। बाद हमारा जो फ्रेश जूस हमने निकाल के तैयार किया है वो इसमें डालेंगे और रोज़ के साथ हम इन्हें गार्निशिंग करके अच्छे से ठंडा ठंडा चिल सर्व करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, गर्मी के मौसम में बना के पिए फ्रेश जूस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।